सो हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन इन नवंबर 2020, यानी नवंबर मंथ के अंदर वो कौन से स्मार्टफोन है जो कि आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि गाइस, अगर बात करें अक्टूबर मंथ की, तो यहाँ पर बहुत ही कमाल का रहा है स्मार्टफोन्स के लिए, जहाँ पर गाइस आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल के अंदर काफ़ी कमाल की छूट भी देखने को मिली है। लेकिन गाइस, अब देखते हैं कि नवंबर मंथ के अंदर आपको कैसे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले, कौन कौन से प्राइस पर देखने को मिलेंगे और कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च होंगे नवंबर मंथ के अंदर। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से का लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें और बात करें उन फोन्स के बारे में, उससे पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस लिस्ट के अंदर मैंने उन्हीं फोन्स को ऐड किया है जो कि यार कंफर्मली आपको इंडिया के अंदर नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन गाइस, अगर इनके अलावा कोई फोन लॉन्च होता है और कोई न्यूज निकल कर आती है, कोई और इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आती है किसी नए स्मार्टफोन को लेकर, तो डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर। तो चैनल को कर लो डेफिनेटली सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अब तक नहीं किया है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले स्मार्टफोन ब्रांड को लेकर जो कि नवंबर मंथ के अंदर आपको फॉर्मली देखने को मिलेगा। और गाइस, इसका नाम लेते हुए काफी ज्यादा प्राउड फील होता है जो कि गाइस माइक्रोमैक्स। सो गाइस, आपने न्यूज सुनी ली होगी कि माइक्रोमैक्स की तरफ से आपको बहुत सारे स्मार्टफोन नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से दो स्मार्टफोन कंफर्म कर दिया है। और गाइस, ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, जहां पर इस डिवाइस का बॉक्स पैकिंग भी देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो इन ब्रांडिंग के साथ में, इन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। सो बहुत ही प्राउड वाली बात होगी, जो लोग यार चाइनीज फोन से परेशान थे उनको एक मेड इन इंडियन फोन चाहिए था, जहां पर आपको कुल दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे माइक्रोमैक्स की तरफ से, जिनमें जो पहला होगा वो होगा बजट सेगमेंट वाला डिवाइस जो कि 7000 से लेकर 10000 के बजट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगी मीडियाटेक की हीलियो G35 चिपसेट, 6.5 इंच की एक आईपीएस एलसीडी पैनल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में। बैक साइड में आपको डुअल कैमरा मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलेगा। और इस फोन के साथ में आपको 5000 एमएएच की एक लंबी बैटरी मिलेगी। बाकी इस फोन के साथ में आपको 2GB रैम और 3GB रैम ऑप्शन मिलेंगे और 32GB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो अगर मीडियाटेक हीलियो G35 के साथ में 7 से लेकर 10000 के अंदर भी आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही कमाल का चॉइस हो जाएगा, बिकॉज यहां पर एक मेड इन इंडियन ब्रांड होने वाला है। बाकी गाइस, जो दूसरा स्मार्टफोन होगा वो होगा 10 से लेकर 15000 के बजट के अंदर, जहां पर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर स्पेक्स की बात करें तो लगभग सेम होगा, बट यहां पर आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G85 पावरफुल चिपसेट। जहां पर गाइस, अगर लॉन्च डेट की बात करें तो माइक्रोमैक्स ने ऑफिशियल कंफर्म कर ही दिया कि बहुत ही जल्द आपको इंडिया के अंदर ये डिवाइस देखने को मिलने वाले। जहां पर गाइस, अगर लीक्स की माने तो 2 नवंबर तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, मतलब कोई ना कोई डिवाइस आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से देखने को मिल जाएगा। सो वेट है हमें इन्हीं फोन्स का, जहां पर प्राइसिंग काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर ये कमाल के प्राइसिंग पर आ गए, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस पर आ गए, सो बहुत ही ज्यादा डिमांड रहने वाली है इन फोन्स की। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सारे ही फोन्स काफी ज्यादा बिकने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज इंडिया का मूड बिल्कुल चेंज हो चुका है। बाकी गाइस, अगर माइक्रोमैक्स के साथ बात करें हम सैमसंग की, क्योंकि 2020 के अंदर नॉन चाइनीज फोन के नाम पे सैमसंग ने काफी सारे फोन्स बेचे हैं। सो सैमसंग का भी आपको एक नवंबर के अंदर फोन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये सैमसंग गैलेक्सी A42 डिवाइस जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में आने वाला है, और सैमसंग गैलेक्सी M51 के बाद एक कमाल का 5G डिवाइस होने वाला है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M51 OnePlus Nord को बिल्कुल रिप्लेस करके रख देने वाला है। जहां पर गाइस स्पेक्स की बात करें तो ये फोन स्नैपड्रैगन 690 5G चिपसेट के साथ में आने वाला है, जो कि Qualcomm की तरफ से न्यूली लॉन्च चिपसेट है। और अगर बात करें डिस्प्ले को लेकर तो 6.6 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, इन्फिनिटी यू नॉच इस फोन के अंदर भी देखने को मिलेगा, और फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन के बैक साइड में क्वाड कैमरा सेंसर मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा, जो कि सोनी IMX682 सेंसर हो सकता है, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। बाकी इस फोन के अंदर आपको 5000 एमएच की एक बैटरी देखने को मिलेगी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। डिजाइन में इस बार आपको कुछ चेंज देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ मिलेगा, हालांकि पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैग के साथ में ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में ही आने वाली है। बाकी इस फोन की जो प्राइसिंग होगी वो होगी 25000 से ऊपर, यानी OnePlus Nord और सैमसंग गैलेक्सी M51 से थोड़ा सा ज्यादा होने वाली है। लेकिन गाइस, अगर बात करें अपने अगले ब्रांड के बारे में जो कि है OnePlus, सो OnePlus की तरफ से आपको ऑलरेडी OnePlus Nord जैसा कमाल का 5G डिवाइस इंडिया के अंदर देखने को मिल चुका है। लेकिन अब OnePlus तैयारी कर चुकी है इससे भी चीप यानी इससे भी सस्ता 5G डिवाइस इंडिया के अंदर लेकर आने की। सो गाइस, यहां पर ऐसे लीक्स निकल कर आए कि दो स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो कि है OnePlus Nord N10 और OnePlus का Nord N100। और गाइस, OnePlus Nord N10 को लेकर ऑलरेडी काफी सारी इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है, और रिसेंटली ये डिवाइस NTPC सर्टिफिकेशन पर भी लिस्टेड हो चुके हैं। दैट मींस कि आपको ये डिवाइस बहुत ही जल्द USA के अंदर देखने को मिलेगा और ग्लोबली भी लॉन्च कर दिया जाएगा, और ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अगले मंथ यानी नवंबर मंथ के अंदर आपको ये डिवाइस इंडिया के अंदर भी कंफर्मली देखने को मिल सकते हैं। जहां पर गाइस, N10 के अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 690 5G चिपसेट, जो कि 6.4 इंच की एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन, IPS होगा या फिर AMOLED ये भी कंफर्म नहीं है, और बहुत ही कमाल के सिंगल पंच होल कटआउट डिस्प्ले के साथ में आने वाला है। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस
होगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि OnePlus Nord N10 डिवाइस आपको अंडर 20 के यानी 20,000 के नीचे देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 690 रिसेंटली लॉन्च स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ में। सो बहुत ही कमाल की बात हो जाने वाली है। बाकी गाइस आप बताओ कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस डिवाइस को लेकर। लेकिन गाइस यही नहीं, OnePlus की तरफ से आपको नवंबर मंथ के अंदर एक और बजट डिवाइस देखने को मिल सकता है जो कि है OnePlus Nord N100 जो कि 4G चिपसेट के साथ में आएगा यानी स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा लेंस मिलेंगे और इस फोन के अंदर आपको एक 6000 mAh की लंबी बैटरी देखने को मिलेगी और बजट सेगमेंट के अंदर सैमसंग साउमी और रियलमी को काफी कड़ा टक्कर देने वाला ये फोन। लेकिन गाइस आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में जो कि भैया रियलमी। और रियलमी धनाधन से काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहा है। सो यहां पर रियलमी X3 सीरीज का सक्सेसर रियलमी X7 सीरीज आपको इंडिया के अंदर नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिलने वाला है। हालांकि X3 के बाद X4 X5 X6 कहां गया ये कुछ नहीं पता है, लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइस चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इंडिया के अंदर आपको कंफर्मली नवंबर मंथ के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। जहां पर आपको दो डिवाइस देखने को मिलेंगे इस सीरीज के अंदर रियलमी X7 और रियलमी X7 प्रो, जहां पर गाइस ये दोनों ही डिवाइस 5G कनेक्टिविटी के साथ में आने वाले हैं और यहां पर आपको मीडियाटेक बेस्ड चिपसेट देखने को मिलने वाले हैं। जहां पर गाइस अगर बात करें रियलमी X7 के बारे में तो 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन होगा और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। सो वहीं पर जो इसका प्रो मॉडल होगा वहां पर आपको 6.55 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी बट डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। सो एक बहुत ही कमाल की बात हो जाती है कि इस सीरीज के अंदर आपको दोनों फोन के अंदर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और दूसरे यानी प्रो मॉडल के अंदर आपको 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है। और गाइस यहां पर आपको इन दोनों ही फोन्स के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिलता है और सिंगल पंच होल कटआउट के साथ में काफी कमाल के डिस्प्ले के साथ में आने वाले। सो गाइस रियलमी X3 सीरीज के अंदर आपको जो कुछ कसर रह गई थी ना वो रियलमी X7 सीरीज के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बाकी गाइस अगर बात करें दोनों ही फोन्स के कनेक्टिविटी के बारे में परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर रियलमी X7 आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U चिपसेट के साथ में जो कि 5G और बहुत ही कमाल का चिपसेट है। सो वहीं पर इसका जो प्रो मॉडल होगा रियलमी X7 प्रो वहां पर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ चिपसेट। तो गाइस नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना कि डायमेंसिटी चिपसेट के लिए आप में से कितने ज्यादा लोग एक्साइटेड थे। बाकी गाइस अगर हम बात करें कैमरा को लेकर तो दोनों फोन के अंदर क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा और फ्रंट में 32 यानी 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। जहां पर अगर बैटरी की बात करें तो रियलमी X7 के अंदर आपको मिलेगा 4300 mAh, तो रियलमी X7 प्रो के अंदर आपको मिलेगा 4500 mAh बैटरी, बट दोनों फोन के अंदर 65 यानी 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाला है। सो गाइस ओवरऑल अगर स्पेक्स को देखें तो रियलमी X3 सीरीज से काफी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा डिस्प्ले को लेकर या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर। जहां पर अगर प्राइसिंग की बात करें तो रियलमी X7 आपको 20 से 25 के यानी 20 से 25 हजार के अंदर देखने को मिलता है, सो वहीं पर रियलमी X7 प्रो आपको 30 हजार के बजट के ऊपर देखने को मिल सकता है। और गाइस इसी के साथ में आपको नवंबर मंथ के अंदर रियलमी की तरफ से एक और डिवाइस देखने को मिल सकता है जो कि है रियलमी सी सीरीज का रियलमी C17 स्मार्टफोन, जहां पर गाइस आपको स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट देखने को मिलेगा, 6.5 इंच की एक HD प्लस स्क्रीन देखने को मिलेगी, IPS LCD पैनल स्क्रीन के साथ में आने वाला है और यहां पर आपको 5000 mAh की एक मैसिव बैटरी मिलेगी। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का होगा और इस फोन की जो प्राइसिंग होगी वो होगी 12000 से लेकर 14000 के बीच में यानी 12000 rupees से लेकर 14000 rupees के बीच में। लेकिन गाइस हमने रियलमी की बात करी है तो Xiaomi यानी Redmi को कैसे छोड़ सकते हैं। सो Redmi की तरफ से आपको Note 10 सीरीज इंडिया के अंदर नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिल सकता है जो कि सीधा सीधा कंपीट करने वाला है रियलमी के X7 सीरीज से। सो गाइस यहां पर अभी 2 से 3 डिवाइस कंफर्मली आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं जिनको लेकर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जहां पर बहुत ही डिटेल में बात किया है, तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो दे दूंगा, आप जरूर देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो। बाकी गाइस अगर बात करें शॉर्ट में स्पेक्स की तो ये डिवाइस भी आपको 5G के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर एक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 5G चिपसेट, तो दूसरे के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 750G चिपसेट देखने को मिल सकता है। और गाइस यहां पर ऐसे भी लीक सामने निकल कर आए हैं कि Xiaomi के Redmi Note 10 सीरीज के अंदर आपको 108 यानी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलने वाला है। और गाइस यहां पर ये जो 108 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी लेंस होगा ये कंफर्मली आपको हायर वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा जिसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि गाइस आपने देखा ही है कि Redmi Note सीरीज के अंदर 2 से 3 फोन्स देखने को मिलते हैं। लाइक Redmi के Note 9 सीरीज को देख ले तो Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9 Pro। सो अगर आप Redmi के Note 10 सीरीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिलेगी, जरूर देख लेना। लेकिन गाइस आगे बढ़ते और बात करते अपने एक बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं जो कि है नोकिया। सो नोकिया की तरफ से आपको नोकिया का 7.3 5G डिवाइस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको अगेन स्नैपड्रैगन 690 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि क्वालकॉम की तरफ से एक रिसेंटली लॉन्च 5G चिपसेट है और कमाल के प्राइसिंग पर भी आने वाला है। सो यहां पर आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS LCD पैनल के साथ में सिंगल पंच होल कटआउट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं 48
मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा, फ्रंट में 24 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर होगा, और बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो नोकिया की तरफ से आपको एक बहुत ही कमाल का डिवाइस देखने को मिलेगा नवंबर मंथ के अंदर। सो आप इस फोन का भी वेट कर सकते हो अगर आपको एक नोकिया फोन ही चाहिए चाहिए। लेकिन गाइस अगर बात करें अपने अगले स्मार्टफोन ब्रांड के फोन्स के बारे में, सो ये एक मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन हो चुके हैं और इनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन हो सकता है इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिले। लेकिन गाइस हो सकता है कि ये डिवाइस आपको कहीं ना कहीं नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, जो कि ASUS की तरफ से ASUS का Zenfone 7 सीरीज, जो कि गाइस फ्लिप कैमरा के साथ में बहुत ही कमाल के स्पेक्स के साथ में आते हैं, जहां पर आपको कुल दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, ASUS का Zenfone 7 और Zenfone 7 Pro, जहां पर आपको एक के अंदर मिलेगा Snapdragon 865 तो दूसरे के अंदर यानी हायर वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 865 प्लस चिपसेट। सो गाइस ओवरऑल ये परफॉर्मेंस बेस्ड फोन होने वाले हैं, जहां पर आपको LPDDR5X रैम और बहुत ही कमाल की टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ में आपको फ्लिप कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का Sony IMX686 सेंसर देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, AMOLED डिस्प्ले जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है, और गाइस यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि एक AMOLED डिस्प्ले होने के बाद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है और इस प्राइस के अंदर, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। और गाइस ऑलरेडी डिवाइस बाहर के कंट्रीज में लॉन्च हो चुके हैं, जहां पर इनकी प्राइस भी काफी ज्यादा हाई रही, यानी ASUS के Zenfone 7 की प्राइस की बात करें तो 55,000 के करीब देखने को मिली, सो ASUS का Zenfone 7 Pro आपको देखने को मिला 70,000 के करीब। और मुझे लगता है कि प्राइसिंग वो कारण है जो कि इंडिया के अंदर ये डिवाइस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस हो सकते हैं आपको कहीं ना कहीं ये डिवाइस देखने को मिले, इसलिए मैंने इस लिस्ट के अंदर इसे शामिल कर दिया है। लेकिन गाइस अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और एक ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में जिन्होंने अपने स्मार्टफोन्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है, जो कि इन्फिनिक्स। सो इन्फिनिक्स की तरफ से आपको नवंबर मंथ के अंदर इन्फिनिक्स का नोट 8 सीरीज देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको दो डिवाइस देखने को मिलेंगे, इन्फिनिक्स का नोट 8 और नोट 8 आई। डिस्प्ले की बात करें तो आपको मिलेगी 6.95 inches की एक HD प्लस स्क्रीन IPS LCD पैनल के साथ में डुअल पंच होल कटआउट मिलेगा। सो गाइस डिस्प्ले साइज तो काफी बड़ी कर दी है, बट एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट होता तो ज्यादा बेस्ट होता। बाकी अगर बात करें इन फोन्स के कैमरा के बारे में, सो बैक साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर मिलता है, 5000 mAh की एक बैटरी मिलती है, और गाइस ये फोन आपको 14 से लेकर 15,000 के अंदर देखने को मिलने वाले। सो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर अगर एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन होता तो ये स्मार्टफोन काफी कड़ा टक्कर देते Xiaomi और Realme को। बाकी गाइस आप नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि आप इनमें से किस फोन का वेट कर रहे हो, और कुछ यही थे मेरे लिस्ट के अंदर वो स्मार्टफोन जो कि आपको नवंबर मंथ के अंदर कंफर्मली देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर इनके अलावा किसी भी स्मार्टफोन का लीक्स या फिर इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आता है तो चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। कर लो सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते एक नए और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, बिल्कुल ही शेयर कर दो, सारी चीजें फ्री है।